अब हम लोग आ जाते हैं कि भी हम लोग अपनी एक ई कॉमर्स की वेबसाइट के अंदर प्रोडक्ट कैटेगरीज कैसे ऐड करते हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी किसको बोलते हैं, लेट से एक लैपटॉप है डेल लैटिट्यूड ई 44, उसकी कैटेगरी कौन सी है, लैपटॉप है ना, और लैपटॉप के अंदर उसकी सब कैटेगरी क्या है, डेल लैपटॉप। अब लैपटॉप के अंदर डेल के लैपटॉप भी आ सकते हैं, एचपी के लैपटॉप भी आ सकते हैं, एप्पल के भी आ सकते हैं, और उसके अलावा एसोस के भी आ सकते हैं, एसर के भी आ सकते हैं। तो ये चीज़ होती है मेन कैटेगरी। मेन कैटेगरी किस तरह हो सकती है, लैपटॉप्स, मोबाइल एक्सेसरीज, इस तरीके से करके वो होती है मेन। फिर आती है सब कैटेगरीज। सब कैटेगरी क्या होती है, उनके अंदर वाले यानी कि उनकी कंपनीज के नाम, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर किसी भी एक वेबसाइट के ऊपर जाऊँ, अब यहाँ पर आप देखो, अब यहाँ पे ये सारी मेन कैटेगरीज थी, तो इन्होंने इसलिए इनकी सब कैटेगरीज नहीं बनाई। लेकिन जब मैं दराज पे जाता हूँ, दराज पर हमारे पास ये हमारी कैटेगरीज आ रही है। तो ये देखो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये मेन कैटेगरी, ये चाइल्ड कैटेगरी, या फिर सब कैटेगरी कह सकते हो इसे, और ये सब के उसके अंदर वाले आगे कैटेगरीज। लेकिन हम भी रहने को, हम कहते हैं भाई हमारी कैटेगरी तो इसमें सिर्फ सिर्फ है, हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, उसके बाद लैपटॉप्स हैं, स्मार्ट वॉचेस हैं, हम इसी के करके कैटेगरी बना सकते हैं, ठीक है। और हम ये नहीं रखेंगे, हम ये भाई हमने इस तरीके से करके रखनी है, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी असाइन कर सकते हैं इसे। फिर ये हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रहे हैं हर कैटेगरी के, अगर उस लिहाज से शो करवाना है तो। अब मैं आ जाता हूँ कि भाई हम लोग अपनी वेबसाइट के अंदर प्रोडक्ट कैटेगरीज कैसे ऐड करेंगे। हम प्रोडक्ट्स में आएंगे, हम जाएंगे कैटेगरीज में। आगे ये अब आपकी कैटेगरी ऐड करने की एरिया है। अब यहाँ पर मैं क्या एक कैटेगरी को नाम दूंगा, जैसे मैं उसको दे देता हूँ स्मार्टफोन्स, ठीक है। कोई भी नाम दे दो, यार कोई कोई भी नाम कैसे कैसे दे सकते हैं, जिस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स होने हैं उसको उसी कैटेगरी का नाम देना ना। कोई भी कैटेगरी से मुराद किया आपका, कि भी फॉर एग्जांपल, एग्जांपल दे देना मुझे। आईफोन या वो तो स्मार्टफोन्स के अंदर आते हैं ना, स्मार्टफोन के अंदर से ब्रांड्स हैं। मेन कैटेगरी कौन सी है उसकी, स्मार्टफोन, स्मार्टफोन के अंदर आते हैं वो आईफोन। उसके बाद एप्पल आईफोन कहते हैं हम उन्हें, उसके बाद हम कहते हैं ओप्पो मोबाइल्स, उसके बाद हम कहते हैं हवावे, टेक्नो, इन्फिनिक्स, सैमसंग, ये सारी चीज़ें, एलजी, वो सारी क्या होंगी, वो सब कैटेगरीज होंगी स्मार्टफोन्स की। अब ये खुद पेरेंट है तो हम इसको पेरेंट ही रखेंगे। फिर यहाँ पे रहा डिस्प्ले टाइप। डिस्प्ले टाइप क्या होता है, डिस्प्ले टाइप बेसिकली होता है कि भाई आप अपनी इस वाली जो एक कैटेगरी आप शो करवा रहे हैं, आप उसके अंदर डायरेक्ट प्रोडक्ट शो करवाना चाह रहे हैं, या फिर पहले सब कैटेगरी शो करवाना चाहते हैं। कि लेट से आप एक कैटेगरी के ऊपर अगर क्लिक करते हो, अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब मैं एक कैटेगरी पे क्लिक कर रहा हूँ तो डायरेक्ट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ऐसा ही कि क्योंकि इसी कोई भी सब कैटेगरी थी नहीं। और ये आपकी और क्लाइंट की मर्ज़ी होती है वो किस तरह शो करवा रहा है। फिर मैं यहाँ पर एक वेबसाइट लिखता हूँ, ये बंद ना होगी, यो ठहरे, ये बंद हो गई है। ये वेबसाइट देखिए आप, ये मेन कैटेगरी थी मेन शूज़। मेन शूज़ के अंदर उसके सब कैटेगरी कौन कौन सी हैं, कैजुअल शूज़ और कैजुअल स्लीपर्स। तो इसके ऊपर डिस्प्ले टाइप क्या है, मेन शूज़ के ऊपर डिस्प्ले टाइप दिया हुआ है हमने। मैंने वो डिस्प्ले टाइप दिया हुआ है पहले सब कैटेगरी शो हों, सब कैटेगरीज आएंगे ना। फिर इसके अंदर भी मेरे पास सब कैटेगरीज थी साइजेस की, ये देखो 6, 7, 8, 9, 10। तो आप जितनी मर्जी चाहे सब कैटेगरीज भी लगा सकते हो। लेकिन अगर आप कहते हो नहीं भाई हमने कैटेगरी शूज़ के अंदर डायरेक्ट प्रोडक्ट शो करवाने हैं, तो आप कैटेगरी शूज़ को डिस्प्ले टाइप दे दोगे,
प्रोडक्ट्स, तो उसके अंदर प्रोडक्ट डिस्प्ले होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर डिस्प्ले टाइप दे रहा हूँ सब कैटेगरीज। फिर हमने हर कैटेगरी की एक फीचर इमेज भी लगानी होती है, वो चाहे गूगल से कोई भी उठा लो। मैं फ़िलहाल यहाँ से उठा रहा हूँ, कोई भी एक लैपटॉप पिक कर लेता हूँ मैं, ये भी मुझे अच्छी लग रही है थोड़ी, ये वाली पिक्चर मैं लगा लेता हूँ। ठीक है जी, एड न्यू कैटेगरी। अब स्मार्टफोन के अंदर मेरे पास कौन कौन से फोन हैं, खाली मैं इसे लिख देता हूँ ओप्पो वगैरह। अब बताओ इसका पेरेंट कौन है ओप्पो का, अभी बताया मैंने क्या? आपको मेरी बातों को समझ नहीं आ रही जो मैं बता रहा हूँ? हाँ, ओप्पो की मेन कैटेगरी कौन सी? ओप्पो की जो मैंने यहाँ से पेरेंट कैटेगरी वाला काम कर रहा था, ओप्पो की पेरेंट कैटेगरी कौन सी है? ओप्पो किस कैटेगरी में आता है? आधी मैंने अभी ऐड की है, ओप्पो स्मार्टफोन में नहीं आएगा अभी। यार आप फिर ये काम से काम बताने का फ़ायदा क्या हो रहा है आधी? इतनी इजी वर्डिंग, ये देखो स्मार्टफोन्स के अंदर नहीं आ रही सारे ब्रांड्स। चलिए, इसकी पेरेंट कैटेगरी है स्मार्टफोन्स। इसके अंदर मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट शो के बनाना चाहता हूँ, मैं इसको डिस्प्ले टाइप दे दूंगा प्रोडक्ट्स। फिर ओप्पो के लिए देखते हैं ओप्पो की कैटेगरी यहाँ पर है या नहीं। ओप्पो आ रहा है, मैं किसी भी एक ओप्पो की तस्वीर उठा लेता हूँ यहाँ से। अब देख रहे हैं कि इसकी अंडर आएगी, इसकी अंडर आएगी ना लाइन लग के, क्योंकि ये इसका पेरेंट है। फिर मैं सीधी जैसे यहाँ पे कर लेता हूँ एप्पल मोबाइल्स, इसकी भी पेरेंट स्मार्टफोन है। डिस्प्ले टाइप मैं कर रहा हूँ प्रोडक्ट, ठीक है, इसी के करके जितनी आप की कैटेगरीज हैं वो ऐड कर सकते हो इजीली। ठीक है, फिर आप कहते हैं मेरे पास स्मार्टफोन के अलावा मेरे पास लैपटॉप्स भी हैं, अब इसकी पेरेंट कैटेगरी स्मार्टफोन तो नहीं ना होगी, इसको आप नन पे कर दोगे क्योंकि ये खुद पेरेंट है। इसलिए मैं शो करवाऊंगा सब कैटेगरीज। फिर मैं लैपटॉप की कोई भी एक इमेज उठा लेता हूँ,
और देखो ये अलहदा से ऐड हुई है। अब इसके अंदर दराज वाले क्या क्या चीज़ दे रहे हैं, दराज वाले लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स, ट्रेडिशनल लैपटॉप्स और लाइक न्यू लैपटॉप्स, इन तीन के तीन सब कैटेगरीज हैं इनकी। लेकिन हम तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, एप्पल लैपटॉप्स, एप्पल यूज लैपटॉप्स, उसके बाद डेल यूज लैपटॉप्स कर सकते हैं ना। तो हम लेकिन हम लोग इस तरह की भी कैटेगरीज लगा सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही है। फिलहाल मैं दराज की तरह की बना रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह की मर्ज़ी कैटेगरी बनाओ। अब इसकी बताओ पेरेंट कैटेगरी कौन है, लैपटॉप का तो मॉम है। हाँ लैपटॉप है ना तो मॉम ही है। क्यों ये बनाई नहीं है हमने इसकी पेरेंट कैटेगरी अभी, तो लैपटॉप। हाँ तो इसकी पेरेंट इसके किस कैटेगरी का नाम क्या है, रिफर्बिश लैपटॉप है ना, तो हमने इसकी पेरेंट कैटेगरी बनाई नहीं है, बताओ। फिर नन क्यों कह रहे हो आप, मैंने कहा है हदी जब भी एक पेरेंट कैटेगरी बनानी होती है, एक न्यू कैटेगरी बनानी होती है, उसका कोई भी पेरेंट नहीं होता। ठीक है, क्या लैपटॉप को कोई पेरेंट हो सकता है, बताओ। रिफर्बिश लैपटॉप को पेरेंट है ना लैपटॉप, या फिर डेल लैपटॉप की कैटेगरी होगी ना लैपटॉप। फिर लैपटॉप किया मैंने, डिस्प्ले टाइप इसका मैंने कर दिया प्रोडक्ट्स। अब मैं यहाँ से कोई भी इमेज उठा लेता हूँ, देखो अब ये लैपटॉप के नीचे ऐड होगी, अब ये स्मार्टफोन के नीचे ऐड नहीं हुई। फिर कौन सी कैटेगरी थी, ट्रेडिशनल लैपटॉप मैं बनाना चाह रहा हूँ। अब इसकी पेरेंट कैटेगरी कौन है, लैपटॉप ही है, जाहिर सी बात है। ट्रेडिशनल लैपटॉप है, मैं कोई भी एक लैपटॉप ओपन कर लेता हूँ, उसकी इमेज उठा लेता हूँ। ये वाली इमेज मेरे पसंद थोड़ी अच्छी लग रही है। इन कैटेगरीज के अंदर जो लगी हुई हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, इसकी इमेज में डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से करके आप मल्टीपल कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। फिर पहले आपने अगर रिफर्बिश्ड लैपटॉप शो करवाना तो इसको उठा के ऊपर रख दें। ठीक हो गया, इस तरीके से करके आपने मल्टीपल कैटेगरीज बनानी है। अब हम आ जाते हैं मेन्यू में, अपीयरेंस में, अगर क्योंकि अब हमने इनकी कैटेगरीज को मेन्यू में भी तो शो करवाना है। आगे अब कौन सा मेन्यू में शो करवाना है, मेन मेन्यू में ना, तो हम यहाँ से अपना मेन मेन्यू सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमने ऐड करनी है प्रोडक्ट कैटेगरीज, तो बताओ यहाँ के भी ऑप्शन लिखा हुआ है प्रोडक्ट कैटेगरीज ऐड करने का, कहाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है नहीं। हाँ तो आपने स्क्रीन ऑप्शंस पर आने, वो ऑप्शन ऑफ है, उस फीचर को
ऑन कर लेना है। अब आगे प्रोडक्ट कैटेगरीज, यहाँ पर क्लिक करें, व्यू ऑल पे आएँ तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी शो हो जाएंगी। ठीक है, अन कैटेगरीज को कभी भी ऐड नहीं करना। ऐड टू मेन्यू, सेव करता हूँ। आगे लेकिन क्या मैं ऐसे शो करवाना चाह रहा था? मैं तो शो करवाना चाह रहा था कि जब माउस इसके ऊपर जाए लैपटॉप के ऊपर, तब उसके नीचे यूँ लिखा हुआ आ रहा हो, रिफर्बिश लैपटॉप्स, ट्रेडिशनल लैपटॉप्स, और जब स्मार्टफोन पे जाए फिर नीचे ये दोनों आ रहे हो। उसे कहते हैं कि सब मेन्यू बनाने हैं अभी हमने, तो सब मेन्यू बनाने के लिए आपने इसको उठा के भी थोड़ा सा आगे कर देना, जो इस कैटेगरी के हैं जो स्मार्टफोन के, उनको उठा के यहाँ पर कर देना है। अब हो गए। फिर मैं कहता हूँ मैं होम के बाद पहले लैपटॉप शो करवाना चाह रहा हूँ, फिर स्मार्टफोन्स, लास्ट में शॉप। तो लोकेशन आगे पीछे की है मैंने, ड्रैग एंड ड्रॉप की है। ठीक हो गया, अब यहाँ तो क्लियर है। अब मैं आ जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार कि जो ड्रॉप डाउन है ना ये थोड़ा प्यारा ही नहीं लग रहा, इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाना है, तो उसके लिए मैं आऊँगा कस्टमाइज में। अब यहाँ पर हमारे पास, अब देखो ये चीज़ हमारी हेडर में आ रही है ना, तो जब मैं अपने हेडर में आऊँगा ना तो यहाँ पर हमारे पास ड्रॉप डाउन स्टाइल होगा, ये पड़ा हुआ है। मैं ड्रॉप डाउन स्टाइल में आ जाता हूँ। अच्छा अभी थोड़ा सा एक इश्यू बना हुआ है कलर का, कि भी कलर ये वाला हम चला रहे थे और इसका कलर थोड़ा सा चेंज है इस वाले का, तो पहले मैं ज़रा इन आइकन्स का कलर चेंज कर लूँ हेडर मेन में जाके। फिर हेडर बॉटम का भी कलर देख लूँ, हेडर बॉटम को यही था। अब मैं आ जाता हूँ अपने ड्रॉप डाउन की तरफ। अब आपकी मर्जी, आप उसको कोई स्टाइल देना चाह रहे हो या नहीं देना चाह रहे। ठीक है, सबसे पहले आ रहा है बॉर्डर कलर, क्या आप इसे बॉर्डर को कोई कलर देना चाह रहे हो? ये बॉर्डर्स होते हैं साइड पर आ रहे होते हैं। मैं कहता हूँ हाँ भाई मैं बॉर्डर को कलर देना चाह रहा हूँ ब्लैक, देख रहे हो? या बॉर्डर शो करवाना है या नहीं करवाना, अगर नहीं करवाओगे तो ऑफ ऑफ कर दो। ठीक है, फिर बॉर्डर में ड्रॉप कंटेंट साइज़ कितना हो, कंटेंट बोलते हैं हम लोग जिसके अंदर लिखा हुआ है। फिर ड्रॉप डाउन का रेडियस, कि उसकी साइज़ राउंड करवाना चाह रहे हैं आप या नहीं, फिर तो हाँ यार अच्छी लगती है। बाकी आपकी मर्ज़ी या फिर आपके क्लाइंट की मर्ज़ी है कि राउंड वो करवाना चाहे तो करना, नहीं करवाना चाहे तो नहीं करना। फिर यार ड्रॉप डाउन के अंदर मेन्यू का स्टाइल, अच्छा अब साथ ही एक चीज़ आ रही थी बैकग्राउंड कलर, अगर आप चाहें तो आप इसको बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। और यहाँ से टेक्स्ट कलर को आप लाइट कर दें। हाँ जी, ज़्यादा वो अगर आप इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हो तो यहाँ से आकर आप इसको बैकग्राउंड को थोड़ा ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हो। समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ? फिर यहाँ पर एक चीज़ आ रही है इसके अंदर, जो इसके अंदर जो मेन्यू चल रहा है उसका स्टाइल, एक ये स्टाइल है, एक ये वाला स्टाइल है। तो ये लेकिन ये ब्लू कलर है, हमें कहते पता लगेगा कि ये ब्लू कलर कहाँ पर आ रहा है। ये ब्लू कलर आपका आता है जब आप अपने जाएंगे ना स्टाइल्स में, बाहर आकर स्टाइल्स में, तो यहाँ पर आपके पास कलर्स का ऑप्शन होता है। तो ये देखिए प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, सक्सेस कलर। अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कौन सा कलर आया हुआ है? प्राइमरी।
ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया इसके अंदर से, देख रहे हो कैसे वेबसाइट का लेआउट चेंज हुआ पूरा का पूरा। अब समझ आई? तो इन चीज़ों को जब भी ज़रूरत पड़े आप कर सकते हो, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, समझ आ गया दी? चले उम्मीद करता हूँ ज़्यादा समझ आ गया होगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है हमारा हाउ टू डिज़ाइन होम पेज, कि भी हम लोग अपना होम पेज कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो अब होम पेज के ऊपर हम लोग यूज़ करते हैं, एक होम पेज जो डिज़ाइन होता है ना वो सेक्शंस, रोज और कॉलम्स की बेस पे होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से आ जाता हूँ एडिट पेज के ऊपर, यहाँ मैं क्लिक नहीं कर रहा, खाली इसके ऊपर मैं माउस लेकर आया हूँ। फिर जब इस पर क्लिक करूँगा ना, एडिट विद यूएक्स बिल्डर, याद है आपने वहाँ पर किया था वो यूएक्स ब्लॉक में एडिट विद यूएक्स बिल्डर? अब फिलहाल के लिए मैं कहता हूँ यार मेरे पास कोई बैनर पड़े कोई नहीं हुए, तो मैं बैनर लेना चाह निकालना चाह रहा हूँ इसी वेबसाइट, दराज वाले बैनर मैं उठाना चाह रहा हूँ। लेकिन इनका कलर थोड़ा सा ऑरेंज ऑरेंज है, लेकिन चलो ये यूज़ कर लेते हैं। वो बैनर्स कहाँ से आएंगे? चलो बैनर में ऐसे नहीं मिल रहे, तो इसका एक और तरीका भी होता है। आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आप राइट क्लिक करो, नीचे लिखा होता है इंस्पेक्ट एलिमेंट, ये लिखा हुआ इंस्पेक्ट, आप यहाँ पे क्लिक करो। किसी भी जगह से अगर आपने कोई इमेज निकालनी है तो आप इंस्पेक्ट पर क्लिक करना, ये जो एरो आ रहा है इस एरो पर क्लिक करो और उस वाली इमेज पर जाके क्लिक कर दो। चलिए मैं ये वाली इमेज उठा लेता हूँ, यहाँ क्लिक किया तो ये देखो कि यहाँ पर एक इमेज का लिंक आ रहा है, इसके ऊपर डबल क्लिक करो, राइट क्लिक करके गो टू पे क्लिक कर दो, देख रहे हो? फिर इसको सेव कर लो, या तो आप इस तरह का खुद ही कैनवा से बना लो और लगा लो अपनी वेबसाइट के हिसाब से। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आ गया। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर, वैसे तो वो कह रहे कि भाई कोई डिज़ाइन चूज़ करना तो यहाँ से क्लिक करके चूज़ कर लो, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं भाई हमने खुद बनाना है, तो मैं क्या करूँगा प्लस पे क्लिक करूँगा। अब हाँ, ये जो चीज़ यहाँ पे ये मूव कर रही है ना, जैसे ये मूव कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइडर। क्या बोलते हैं? स्लाइडर। तो अगर आप यहाँ पर कोई चीज़ मूव करवाना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर क्या ऐड कर सकते हो, एक स्लाइडर। आ गया। अब स्लाइडर के अंदर फिर ऐड की जाती हैं स्लाइड्स। पहले मैं देखता हूँ कि भाई ये पूरी स्क्रीन पे क्यों नहीं आया, ये देखो अगर आप गौर से देखो तो ये स्पेसेस आ रही है इसके साइड के ऊपर। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके पहले तो मैं यहाँ पर कुछ स्लाइड्स ऐड कर लेता हूँ। आप उसके लिए कोई इमेज भी ऐड कर सकते हो, कोई बैनर भी ऐड कर सकते हो, कोई रो सेक्शन भी ऐड कर सकते हो, एक ग्रिड भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक बैनर या एक खाली इमेज भी लगा सकते हैं वैसे तो आप यहाँ पे। वो कह रहा है यहाँ पर एक इमेज अपलोड करो, आपने इसकी साइज़ को हमेशा रखना है ओरिजिनल पे ताकि क्वालिटी ना ख़राब हो। फिर मैं यहाँ पर बोली इमेज लगा लेता हूँ, ये देखो, लेकिन अब गैप बारे में मुझे गैप नहीं पसंद। एक तरीका तो इस गैप को छुपाने का ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करो प्लस पे, आप यहाँ पर ऐड कर दो एक सेक्शन। जब एक सेक्शन ऐड करोगे ना उसको खाली रहने दो, वेट
वेट अ सेकेंड, इस सेक्शन को फुल विड्थ करने का ऑप्शन नहीं है, ठहरे। अगर मैं यहाँ पर नहीं, रो नहीं, चलिए। अब इसका एक आसान तरीका ये है कि यहाँ से आप सेटिंग को करो सेव, अपडेट, और मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ मेन पे। मैं इसके लिए पेज को एडिट करूँगा, एडिट करके यहाँ पर एक ऑप्शन होता है टेम्पलेट का। तो अभी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट। आप यहाँ से क्लिक कर दो पेज फुल विड्थ, नाम से क्या आवाज़ है, फुल विड्थ, कि उसकी विड्थ पूरी हो जाए। हाँ जी, मज़ा आया, समझ आई आती या नहीं आई। अब यहाँ पर मैं एडिट विद यूएक्स बिल्डर कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं कहता हूँ यार इस वाली इमेज की ना मैं थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करना चाह रहा हूँ। इस वाले बैनर के ऊपर आप क्लिक करो, यहाँ पर आ रही है इसकी हाइट वगैरह, क्या आप इसकी हाइट कितनी करना चाह रहे हो। लेकिन अगर बढ़ाओगे तो वो पूरे पे वो पूरा लगेगा, तो आपने उसके लिहाज से एडजस्ट करना होता है। अगर आप ऑटोमेटिक भी छोड़ दोगे तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट करके पूरी स्क्रीन पर फैल जाएगा, जो भी आपके बैनर का साइज़ होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन इमेज ओवरले। मैं कहता हूँ यार कि ज़्यादा लाइट हो गई, थोड़ा सा ना इसके ऊपर इफेक्ट आ रहा हो ब्लैक कलर का, इसकी ओपेसिटी थोड़ी डाउन कर दो, ये लो। ठीक है, या फिर आप कहते नहीं भाई हमने नहीं शो करवाना, उसके ऊपर कोई भी ओवरले नहीं लगानी, हम चाहते हैं कि वो क्लियर शो हो, तो आप कलर को रिमूव कर दो। फिर आ रहा है इमेज हूवर, इमेज हुके में भी जब इसके ऊपर माउस चाहे फिर क्या हो, मैं कहता हूँ जूम हो। जूम लॉन्ग से क्या होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर और भी ऑप्शन होते हैं, फिर एक ऑप्शन है एनिमेट, कि जब वेबसाइट लोड होगी तो ये एनिमेट होके आएगा यहाँ पे। एनिमेट होने से क्या मुराद है इनका, देखे अब मैं तो थोड़ी सी स्लाइडर की सेटिंग के अंदर, सॉरी पहले मैं यहाँ पर एक और स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। अब मैं उसके लिए एक बैनर लगा लेता हूँ यहाँ पे, एक बैनर। अब वो कह रहे हैं किस तरह का बैनर लगाना चाह रहे हो, देख रहे हो ये बैनर के डिज़ाइन भी हैं। फिर आप अपने लिहाज से उसके बैकग्राउंड पे इमेज लगा के और टेक्स्ट को एडिट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं चाहिए तो सिंपली इसे आप यहाँ पर एक इमेज लगा दो, ये बैनर ऐड हो गया ना, फिर से ठहरो। चले, और मैं यहाँ से भी एक और बैनर उठा लेता हूँ, लेट से मैं ये वाला बैनर उठाना चाह रहा हूँ। ये वाले उठा लेते हैं, बल्कि देखो ये जो लिंक आ रही है उसके नीचे आपको इमेज शो हो रही होगी, उस लिंक पे क्लिक करो, गो टू पे क्लिक कर दो, वाली इमेज ओपन हो जाएगी, ठीक है। और उसको डाउनलोड कर लो। अब इसकी इमेज की सेटिंग करनी है, ओरिजिनल पे आओ, सिलेक्ट अ मीडिया,
अब देखिएगा क्या होता। ये देखो कैसा, ठीक है। अब आ जाते हैं स्लाइडर की सेटिंग के अंदर, टाइप वगैरह स्लाइड हो या फेड हो, फेड पे क्या होगा सोचा, वो फेड ही फेड इफेक्ट आएगा जब एक स्लाइड मूव करेगी। फिर वो कह रहे कि आप इसको फ्री स्क्रोल ऑन करना चाह रहे हैं, हाँ मैं फ्री स्क्रोलिंग में ऑन करना चाह रहा हूँ। मोबाइल के लिए इसको शो करवाना है, हाँ करवाना है। नेविगेशन विजिबल, ये नेविगेशन है आगे पीछे, ये हमेशा ऑन रखना चाह रहे हैं या फिर शुरू में ऑफ रखना चाह रहे हैं। जब माउस ऊपर जाएगा तभी सामने आएगी। फिर ये जो नीचे एरो का स्टाइल आ रहा है वगैरह, सर्कल में चाहिए, सिंपल चाहिए या रिवील चाहिए। सर्कल अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पर लिखवा रहा है एरो का कलर डार्क, जो नीचे वाले आ रहे हैं, या लाइट, लाइट अच्छे लग रहे हैं। फिर आप बुलेट्स को ऑन करना चाह रहे हो, ऑफ़ करना चाह रहे हो, ऑफ़ कर दोगे तो वो गायब हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को ये चीज़ अच्छी लगेगी ना, या तो ये एरो अच्छे लगेंगे या फिर नीचे वाला अच्छा लगेगा। और फिर भी बुलेट का भी आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, ये देखो डैशेज भी है, ठीक है। फिर ये आ रहा है इसका टाइमर, टाइमर क्या होता है कि कितनी देर के बाद एक स्लाइड मूव करेगी। अभी यहाँ पे कितना लिखा हुआ है टाइमर, क्या लिखा हुआ है एमएस, एमएस का मतलब है मिली सेकेंड्स। एक सेकंड में कितने मिली सेकेंड्स होते हैं, हज़ार। क्योंकि 6,000 इसका मतलब क्या है कि 6 सेकंड के बाद एक स्लाइड मूव करे। मैं ऐसे कर देता हूँ 3,000 के 3 सेकेंड्स के बाद। चलो जी आ गया, 1, 2, 3 नहीं वो, एक सेकंड, बल्कि भी सेटिंग सेव नहीं हुई। अब हो गई है, 1, 2, 3 इसको खुद खुद ही चेंज होना चाहिए था। हाँ 3 सेकेंड, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर आ रही है कि जब इसके ऊपर माउस जाए तो क्या स्लाइड मूव होना रुक जाए, नहीं वो मूव होती रहे फिर भी, ठीक है। ऑटोमेटिकली वर्क करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। समझ आ गई थी यहाँ तक कि कैसे की है, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ कि भाई इसके नीचे ना मैं अपनी की दोनों कैटेगरीज भी डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, डिज़ाइन उनका मैं एक डिज़ाइन बना रहा हूँ अपने माइंड से। मैं कहता हूँ मुझे यहाँ पे 2 रोज चाहिए, यहाँ तो ये 3 आ गई हमें। मैं कहता हूँ भाई मुझे यहाँ पे 2 कॉलम चाहिए आगे। फिर वो कह रहे हैं कि भाई कितना हमें स्पेसिंग कितनी हो, स्मॉल हो लार्ज हो, ये साथ जुड़े हुए हों। स्मॉल स्पेसिंग ठीक है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे प्लस करके यहाँ पर एक बैनर भी लगा सकता हूँ, ठीक है। कोई इमेज लगाना चाहिए इमेज भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक बैनर लगाना चाह रहा हूँ, ये वाला जिसके बैग जिसके ऊपर एक बटन भी लगाओ, मैं लिख सकूँ लेट से शॉप लाओ, मैं लिख सकूँ उसके ऊपर। आ गया। अब इसकी हाइट मैं कह देता हूँ ऑटोमेटिक पे। अब मैं यहाँ पर ना फिलहाल क्या करूँगा, मैं यहाँ पर 2 कैटेगरीज है ना मेरी, एक कैटेगरी को मैं इमेज दे देता हूँ लैपटॉप्स की,
आगे फिर टेक्स्ट आ रहा है, इस टेक्स्ट को मैं एडिट करके रिमूव करना चाह रहा हूँ नीचे वाले को, और ऊपर वाले पे मैं लिखना चाह रहा हूँ लैपटॉप्स, और नीचे फिर बटन आ रहा है, बटन पे क्लिक, सॉरी बटन पे क्लिक करना है आपने इधर, सॉरी कि उसकी सेटिंग ओपन हो यार मेन, ये इधर मैं देता हूँ शॉप नाउ आ गया। फिर इसकी क्वालिटी नहीं अच्छी वाली आ रही क्योंकि लार्ज पे है, मैंने क्या बताया था आपको ओरिजिनल पे रखना है। फिर इसकी यार हाइट है मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, ठीक है आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट भी कर सकते हो। फिर मैं कहता हूँ यार मुझे ना इसी तरह का यहाँ पर भी चाहिए, कोई मसला नहीं, इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, उसको मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ, और इसकी मैं खाली इमेज चेंज कर देता हूँ। जो सी इमेज फिर आपकी साइज की होगी वाली इमेज यहाँ पर आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। टेक्स्ट पे क्लिक करना है, लैपटॉप लिखा हुआ है, मोबाइल फ़ोन करना है इसे, सॉरी मैं कह देता हूँ स्मार्टफोन्स था, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हुआ है। अच्छा फिर यहाँ पे ना एक और ऑप्शन होता है बड़े मज़े का, बैनर के ऊपर इफेक्ट्स, ठीक है अगर लगाना चाहिए तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहिए तो ना लगाएं, समझ आइए। हादी हमने आज काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया, अब हमारी डिज़ाइनिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कि भी प्रोडक्ट्स वगैरह कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ तक काम मुकम्मल हो, और आपने अच्छे अच्छे बैनर लगाने हैं हाई क्वालिटी वाले, लो क्वालिटी वाले ना मुझे काम नहीं चाहिए, समझ आ रही है, ठीक है ना। अपनी मर्जी।